जनता के लिए जो जरूरी है वो निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जाएगा और इस व्यवस्था से किया जाएगा कि परियोजना आज शुरू हो तो नियत समय में 2 साल में 3 साल में पूरी हो जाए। 13 साल 14 साल प्रोजेक्ट चले, मैं समझता हूँ ये जम्मू कश्मीर के अब आवाम को स्वीकार्य नहीं। अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ। किसान सम्मान निधि में मोटे तौर पर इस राज्य ने अच्छा काम किया है और लगभग 100% किसानों को उसका लाभ मिल रहा है, जो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। जो भी पैसा भारत सरकार दे रही उसका सदुपयोग जनता की भलाई के लिए हो, मैं समझता हूँ ये व्यवस्था बनाने की कोशिश मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे सभी साथी कर रहे हैं और मैं आप प्रबुद्ध लोगों से और खासतौर से किसानों से, नौजवानों से और बच्चियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपका राज्य है, ये आपकी जगह है और जो कुछ यहाँ बेहतर होगा मुझे लगता है वो आपके बेहतर भविष्य के लिए काम आएगा। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट हमने एग्रीकल्चर का काफी बढ़ाया है, किसान भाइयों की खुशहाली हो, उनकी आमदनी बढ़े इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ लैंड लॉज में भी बदलाव किया, कुछ लोग उसको लेकर के आलोचना भी हमारी करते हैं, लेकिन मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, एक कानून था यहाँ कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन की जरूरत, उसको बदल दिया हमने, कहा किसी के परमिशन की जरूरत नहीं, जो किसान चाहे वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकता है, इसमें क्या गुनाह हो गया है, ये तो किसानों की भलाई का काम। एक दूसरा कानून था 4 कैनाल से कम जिस किसान के पास जमीन है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है, ये कौन सा कानून है भाई, अगर हमारे पास एक ही कैनाल है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इन कानूनों को बदला गया है और मैं कहना चाहता हूं कि वो किसान की भलाई के लिए बदला गया है ताकि यहाँ के किसान की आमदनी बढ़ सके। शर्मा जी ने ठीक कहा कि पैदावार भी बढ़ानी है और पेरिसेबल गुड्स संरक्षित रह सके, कोल्ड स्टोरेज की संख्या, कोल्ड चेन की संख्या और अच्छा मार्केट मिल सके। इंटरनेशनल फ्लाइट आने वाले कुछ समय में शुरू होने वाली है, नाइट फ्लाइट की लैंडिंग श्रीनगर एयरपोर्ट पर शुरू हो गई, कल जम्मू में भी शुरू हो गई, एयर कार्गो भी यहां से प्रारंभ हो रहा है, वो जो बिड हुआ था गो एयर ने उसे जीता है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आजादी 15 अगस्त को देश मनाता है उसके पहले ही वो सेवा यहां के किसान भाइयों के लिए और व्यापारियों के लिए प्रारंभ कर दी जाएगी।